हेलो स्टूडेंट्स, तो आप लोगों ने इंग्लिश का जो सबसे इम्पोर्टेंट शुरुआती टॉपिक होता है टेंस, उसको पढ़ लिया है और मैंने आपको एक एक बात उसकी पढ़ा दी टेंसेस के बारे में। फिर मैंने आपको एक छोटा सा काम दिया था घर के लिए कि आप क्या काम करें, पूरे टेंसेस जितने आपने पढ़े उसका एक चार्ट बना लें, सारे एडवर्ब्स, सारे स्ट्रक्चर्स, उनके यूजेस और स्ट्रक्चर्स और उनके हिंदी की पहचान सब याद कर लें। अगर आपने वो काम कर लिया हो तो अब वो चीज़ें आपके काम आने वाली हैं। हम लोग आज टेंस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कुछ इस प्रकार के क्वेश्चंस हम पढ़ने वाले हैं जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं या आए हुए हैं या उस पैटर्न पे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हम एक टेस्ट पेपर करेंगे, आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे, उनका आप आंसर पहले खुद सोच लें और फिर मैं आपको आंसर बताता हूँ और क्यों आंसर है उसके रीजंस पे बात भी करते हैं, ठीक है दोस्तों। ओके, लेट्स स्टार्ट। जो हमारा पहला क्वेश्चन है टेंस पेपर का, जितने सारे आपने टेंस पढ़े हैं उस पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन, चार ऑप्शंस हैं ए बी सी डी, इनमें से आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। देखिए पहला सेंटेंस है गॉड ऑलवेज जस्टिस। क्या इस सेंटेंस को देखकर पता चल सकता है कि कौन सा टेंस है? ऑप्शंस पे हम बाद में जाएं, पहले हम देखते हैं कि इसमें कोई एडवर्ब इंग्लिश का है क्या जिसे पता लग जाए कि टेंस कौन सा होगा। यस, देखिए आप दिख रहा है कुछ इसके अंदर, ऑलवेज गॉड ऑलवेज जस्टिस, डू यानी करना, भगवान हमेशा न्याय करता है। ये एक फैक्ट है जो सब जानते हैं कि भगवान न्याय करता है और ऑलवेज भी आ गया और एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो इस तरह के जो वाक्य होते हैं जिसमें कोई फैक्ट हो, कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो, तो वो वाक्य प्रेजेंट सिंपल टेंस में आते हैं। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस का ये होना चाहिए, ठीक है। और प्रेजेंट सिंपल में क्या आता है, क्या आता है मतलब, अब हम केवल फोकस करेंगे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पे नहीं, केवल फोकस करेंगे वर्ब कौन सी आती है। तो प्रेजेंट सिंपल में मैंने आपको पढ़ाया था या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ई एस आता है। अब आप देखिए सब्जेक्ट क्या है हमारा यहाँ पे, गॉड भगवान, जो एक होता है, सिंगुलर होता है और यहाँ सिंगुलर है भी, तो सिंगुलर वर्ब आएगी। और मैंने आपको रूल पढ़ाया था कि हर सिंगुलर वर्ब में एस या ई एस का यूज होता है। तो यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ई एस लगेगा, वर्ब यहाँ पे डू दिख रहा है आपको चारों ऑप्शन में, और डू के लास्ट में ओ होता है इसलिए इसमें ई एस लगेगा। तो अपना आंसर होगा डज। पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया हमारा डज, ठीक है दोस्तों। गॉड ऑलवेज डज जस्टिस, भगवान हमेशा न्याय करता है। पहला क्वेश्चन समझ में आ गया और एक पैटर्न पता लग गया हमारे को कि आपको सेंटेंस देखना है, सेंटेंस में कोई कीवर्ड, कोई एडवर्ब दिख जाए या कोई ऐसा यूज से पता चल जाए, उससे आप समझ जाएंगे टेंस कौन सा है। तो इसके यूज से पता लग गया टेंस कौन सा है, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल टेंस का पता लग गया। फिर आपको उसके बाद उसके स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए कि इसमें वर्ब कौन सी आती है। तो प्रेजेंट सिंपल में वर्ब आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ई एस, ठीक है। और चूंकि अब फिर दोनों में से क्या आएगा, इसके लिए आपने देखा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है हमारा गॉड, सिंगुलर है तो फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस लगेगा, तो डू के अंदर ईएस लग जाएगा और हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, डज हो जाएगा। क्लियर है यहां तक बात आप लोगों के? तो ये हमने पढ़ लिया पहला क्वेश्चन। अब हम आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं सेकंड वाले पे, शी रेयरली हर टाइम। यहां पर हमारे पास शब्द है रेयरली, कुछ एडवर्ब्स याद आ रहे हैं आपको, ऑलवेज, नेवर, ऑफन, रेयरली, सेल्डम, ये किस टेंस में यूज होते हैं, किसमें होते हैं? अगेन प्रेजेंट सिंपल के अंदर यूज होते हैं। प्रेजेंट सिंपल में क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस। अब यहां पर वर्ब देख लीजिए, यहां वर्ब है वेस्ट, तो वेस्ट वर्ब में एस ईएस लगेगा कि नहीं लगेगा, इसके लिए आप देखिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है हमारे पास, शी है, तो शी क्या है, सिंगुलर, तो एस और ईएस लगेगा। अब वेस्ट वर्ब में लास्ट में ई है तो केवल एस लगेगा, तो आंसर हो जाएगा वेस्ट्स।
बी आंसर होगा, शी एक वचन है तो वेस्ट में एस लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन प्रेजेंट सिंपल के थे। यहां पर एडवर्ब आ गया था ऑलवेज, यहां पर एडवर्ब आ गया रेयरली। मैं बहुत सिंपल क्वेश्चन लेके चल रहा हूं और आपको सिंपल इसलिए भी लग रहे होंगे क्योंकि आपने सारी पढ़ाई कर ली, आपने एडवर्ब्स याद कर लिए और आपने स्ट्रक्चर याद कर लिया। अब आपको पता लग गया कि अगर एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है तो हमें टेंस के करेक्ट फॉर्म ऑफ द सेंटेंस में ये जो हमने चार बातें पढ़ी थी वो पता होनी चाहिए, खासकर एडवर्ब और उसका स्ट्रक्चर। अब हम इसके बाद दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए स्टूडेंट्स देयर लेसन्स डेली, यहां भी कोई आपको एडवर्ब दिखाई दे रहा है क्या? यस, क्या दिखाई दे रहा है? डेली, डेली, यूजुअली, जनरली, नॉर्मली, इस तरह के अगर वर्ड्स आ जाते हैं तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है। और प्रेजेंट सिंपल टेंस हो गया, बट डेली से पता लग गया दोस्तों प्रेजेंट सिंपल है। और प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर कौन सी वर्ब आती हैं? या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ई एस होता है। या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ई एस आएगा। तो अब स्टूडेंट्स देखिए सब्जेक्ट कैसा है, स्टूडेंट्स में एस लगा हुआ है, एस लगा हुआ है, तो बताइए सिंगुलर है कि प्लूरल? यस, सही कह रहे हैं आप, स्टूडेंट सिंगुलर होता है, जैसे ही नाउन में एस लग जाता है नाउन प्लूरल हो जाता है। इंग्लिश में ऐसा रूल होता है, बहुत सिंपल बेसिक रूल है। तो ये प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट में केवल और केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, न उसमें एस लगेगा और न उसमें ई एस लगेगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा लर्न, स्टूडेंट्स लर्न देयर लेसन्स डेली। समझ में आ रहा है दोस्तों? जितने आपके आंसर सही होते चले जाएंगे आपको कॉन्फिडेंस आता चला जाएगा। और एक बात और है कि आपको पता लग गया कि हमें क्या पढ़ना है टेंस में और क्या नहीं पढ़ना है, क्या काम की चीज है, तो फोकस केवल उन्हीं चीजों पर करें, ऐसे क्वेश्चन हमें करने होते हैं। चलो वन मोर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, रेन अ गिफ्ट ऑफ नेचर। इस सेंटेंस में कहीं हमें कोई एडवर्ब दिखाई नहीं दे रहा। बारिश अ गिफ्ट ऑफ नेचर, बारिश जो है वो नेचर का गिफ्ट होता है, भगवान के प्रकृति के द्वारा दिया गया हमें गिफ्ट है। ये एक ऐसी बात है जो हम सब जानते हैं, सबको पता है, ये फैक्ट है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये एक सच्चाई है जो सबको पता है। तो ऐसी बातें जो प्रोवर्ब्स होती हैं या जो ऐसी बातें जो फैक्चुअल होती हैं उनको हम प्रेजेंट सिंपल में ही लेते हैं, ये भी प्रेजेंट सिंपल में ही आएगा। और प्रेजेंट सिंपल में या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ई एस लगता है। तो रेन के साथ यहां देखो वर्ब दे रखी है इज, एम आर और वॉज। तो वॉज तो इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ये बी की सेकंड फॉर्म होती है। बी की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है दोस्तों? फर्स्ट फॉर्म की अगर बात करें बी की तो होता है इज, एम आर। बी की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? इज एम आर। बी की सेकंड फॉर्म की बात करें तो होती है वॉज वर्ब। और आपको याद है बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है? थर्ड फॉर्म की अगर हम बात करें तो वो होती है बी। फर्स्ट फॉर्म इज एम आर, सेकेंड फॉर्म वॉज वर, थर्ड फॉर्म बी। तो यहां पर हमारे पास सेकेंड फॉर्म तो आएगी नहीं क्योंकि प्रेजेंट सिंपल का वाक्य है, फर्स्ट फॉर्म ही आनी चाहिए। तो इज एम आर में से कुछ आएगा। अब इज आएगा, एम आएगा, आर आएगा। इसके लिए आप देखिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? रेन, बारिश। बारिश जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो यहां इज का यूज करेंगे। एम कहां आता है? आई के साथ में। आर कहां आता है? प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ में। तो हमारा आंसर हो जाएगा इज। क्या आंसर होगा दोस्तों? इज आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं अगले सेंटेंस चलते हैं। चौथा चार हो गए, इसका आंसर ए है लर्न, इसका आंसर है इज। फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए यहां पर अगेन हमें एक एडवर्ब दिखाई दे रहा है, शी ऑफन, ऑफन, रेयरली,
generally, sometimes, usually, every day, every month, every year, ये जितने भी वर्ड्स हैं ये सब प्रेजेंट सिंपल टेंस के एडवर्ब्स होते हैं। एडवर्ब्स आपको बहुत अच्छी तरह से याद कर लेने चाहिए क्योंकि उनके बिना आप टेंस के क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज एडवर्ब याद कर लें, स्ट्रक्चर याद कर लें, क्योंकि ऑफन देखते ही पता लग गया प्रेजेंट सिंपल है, देखते ही पता लग गया प्रेजेंट सिंपल है, और प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ई एस आता है। इन दोनों में से क्या आएगा इसका डिसाइड करने के लिए हम लोगों को सब्जेक्ट देखना पड़ेगा, और सब्जेक्ट क्या है हमारे पास यहाँ पे, शी। शी है सिंगुलर, और सिंगुलर के लिए आप सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, तो आप ये जो कम है ये सिंगुलर है, कम भी सिंगुलर है, लेकिन चूंकि सी सिंगुलर है तो इसमें एस लगाएंगे, सॉरी कम भी फर्स्ट फॉर्म है, कम्स भी फर्स्ट फॉर्म है ये कहना चाह रहा था मैं, लेकिन कम प्लूरल के लिए आता है, कम सिंगुलर के लिए आता है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी होगा। भाई फर्स्ट फॉर्म आएगी कम, लेकिन चूंकि शी सब्जेक्ट है तो फर्स्ट फॉर्म में आप एस और ई एस लगा देंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा कम्स। ठीक है, पहले इसका पांच का आंसर पढ़ लिया, आप देखो सिक्स्थ में, सिक्स्थ में भी मुझे एडवर्ब दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे दिया, यूजुअली। अगर यूजुअली आ जाए तो टेंस कौन सा होगा, प्रेजेंट सिंपल होगा, प्रेजेंट सिंपल हो गया। प्रेजेंट सिंपल में क्या आता है, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस, इन दोनों में से क्या यूज करेंगे इसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट क्या है हमारे पास, माय फ्रेंड्स। देखो फ्रेंड है कि फ्रेंड्स है, फ्रेंड्स, एस है, एस है तो सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ कि प्लूरल हुआ, प्लूरल हो गया, प्लूरल में एस और एस का यूज नहीं होता, तो केवल फर्स्ट फॉर्म आएगी। इन चारों ऑप्शन में फर्स्ट फॉर्म, अच्छा इन चारों को अगर आप देख रहे हो तो चारों में नेगेटिव सेंटेंस बन रहा है। अब ये बात आ गई कि नेगेटिव बनाना होना तो फिर ये नहीं आता, फिर क्या करना पड़ता है अपने को, डू और डज लेनी पड़ती है हेल्पिंग वर्ब। नेगेटिव में नॉट आता है, नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ में आएगा, तो यहां पर जहां फर्स्ट फॉर्म आनी होती है वहां डू आएगा, जहां फर्स्ट फॉर्म एस और एस आना होता है डज आएगा, फिर नॉट आएगा, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो सब्जेक्ट क्या था हमारा, माय फ्रेंड्स, माय फ्रेंड्स है प्लूरल, तो प्लूरल में डू आएगा, डज नहीं आएगा, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, डू नॉट और फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म में स्लीप है तो डू नॉट स्लीप, ये हमारा आंसर होगा सिक्स्थ का। माय फ्रेंड्स यूजुअली डू नॉट स्लीप इन दी आफ्टरनून, मेरे दोस्त यूजुअली आफ्टरनून में नहीं सोते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। ओके दोस्तों, फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो आप देख रहे हैं ये सारे क्वेश्चन जो अभी तक आपने देखे ये सब यूजुअली, ऑफन, रेयरली, ये सब एडवर्ब प्रेजेंट सिंपल के थे, तो सारे के सारे क्वेश्चन प्रेजेंट सिंपल के रहे। अभी आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, ऑक्सीजन इन कंबशन। वापस ये एक फैक्चुअल बात है, ऑक्सीजन जो होता है या वर्ब दे रखी है हेल्प, मदद करती है, ऑक्सीजन एक गैस होती है जो मदद करती है इन कंबशन, दहन करने में, जलाने में, जलाने के लिए आपको ऑक्सीजन गैस की जरूरत पड़ती है। तो एक साइंटिफिक फैक्ट है कि आपको अगर कोई चीज को जलाना हो तो ऑक्सीजन जलाता है, कार्बन डाइऑक्साइड उसको बुझा देता है, एक्सटिंग्विश बुझाना और जलाना दहन, ये आपका कंबशन। तो ऑक्सीजन दहन में काम आता है, ये फैक्चुअल बात है, तो प्रेजेंट सिंपल है, और प्रेजेंट सिंपल में वापस वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस। अब ऑक्सीजन एक गैस होती है, गैस काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल, गैस ठोस, जो सॉलिड्स होते हैं, जो गैस होती हैं, जो लिक्विड्स होते हैं, ये सब ना गिन नहीं सकते इनको आप, ये अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन जिनको आप गिन नहीं सकते, मैं आपको पिछली क्लासेस में बता रहा था कि वो सिंगुलर होते हैं, जिनको आप गिन ही नहीं सकते वो प्लूरल नहीं हो सकते, भाई गिन ही नहीं सकते, और प्लूरल होने के लिए एक से ज्यादा होना जरूरी है, पर चूंकि गिन ही नहीं सकते तो प्लूरल कैसे होंगे,
तो जितने भी अनकाउंटेबल नाउन होते हैं जिनको आप काउंट नहीं कर सकते वो सब सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में माने जाते हैं, और सिंगुलर सब्जेक्ट में वर्ब सिंगुलर आएगी और सिंगुलर वर्ब में एस और ई एस लगेगा, तो जो हेल्प है उसमें एस लग जाएगा। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा? सी, हेल्प। हमारे दोस्तों आगे चलते हैं। एट्थ, गॉड एवरीवेयर। ये भी एक फैक्ट है, सब जानते हैं, हमने सबने सुना हुआ है, हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है, ये फैक्ट है कि भगवान तो हर जगह होता है, हर जगह रहते हैं, भगवान हर जगह रहते हैं। ये एक प्रोवर्ब है, एक लोकोक्ति है, हमारे यहाँ लोग अक्सर कहते हैं कि भाई भगवान तो हर जगह कण कण में पाया जाता है, हर जगह निवास करता है। तो ये भी प्रेजेंट सिंपल है, इसमें भी यही आना चाहिए। गॉड चूंकि सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब में क्या लगाएंगे आप? एस या ई एस लगा देंगे। तो गॉड लिव्स एवरीवेयर, भगवान हर जगह रहते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए आपके सामने है फॉर्चून द ब्रेव। फॉर्चून यानी भाग्य, ब्रेव और यह वर्ब दे रखी है फेवर। भगवान जो फॉर्चून जो है किस्मत भाग्य है वो मदद करती है, फेवर करती है ब्रेव, द ब्रेव बहादुर लोगों की, द ब्रेव यानी ब्रेव पीपल, बहादुर लोगों की मदद करता है किस्मत। भाग्य उसी का साथ देता है जो लोग कर्मशील होते हैं, जो मेहनत करने वाले होते हैं, जो बहादुर लोग होते हैं, जो रिस्क लेने वाले लोग होते हैं, उनका फेवर करता है। और ये एक प्रोवर्ब है, ये एक लोकोक्ति है, और हमने पढ़ा था प्रेजेंट सिंपल में कि जितने भी इडियम्स और प्रोवर्ब्स की अगर आप बात करते हैं तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में यूज होते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस आता है। तो यहाँ फॉर्चून भाग्य गिनने वाली चीज नहीं होती, अनकाउंटेबल है, जो अनकाउंटेबल होते हैं वो सिंगुलर होते हैं, तो सिंगुलर नाउन में आप एस और ईएस लगाएंगे, तो फेवर में एस लगेगा, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? फेवर्स। क्लियर है बात? सब कुछ क्लियर हो रहा है, एक एक चीज को बात कर रहे हैं हम लोग, कैसे क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10, आर स्कूल फ्रॉम 7:30 to 12:30। ये लगभग सभी स्कूल्स का हमारे यहाँ एक टाइम टेबल होता है, फिक्स टाइम टेबल होता है, और ये हम तय नहीं करते, ये ऑफिशियली तय होता है 7:30 to 12:30 या कभी 10 to 4, जो भी टाइम टेबल है वो तय किया जाता है, तो ऑफिशियली तय किया जाता है। तो ऐसे टाइम टेबल जो ऑफिशियली तय होते हैं, फिक्स होते हैं, वो भी प्रेजेंट सिंपल में आते हैं, और उनमें भी यही वर्ब्स आएंगी। अब यहाँ पर वर्ब है रन, रन यानी चलना, स्कूल चलते हैं, और चूंकि स्कूल सिंगुलर है तो रन में एस लगेगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा रन्स। एक एक बात समझ आ रही है आप लोगों को? तो हमने ऐसे क्वेश्चन किए टेंस वाइज, ये सारे प्रेजेंट सिंपल टेंस के क्वेश्चन हो गए। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। देखिए द ट्रेन फॉर आगरा एट 6:05 AM। जो ट्रेन है वो आगरा से रवाना होती है 6:05 पे सुबह। ये भी एक फिक्स टाइम टेबल है जो तय है किसके द्वारा? रेलवे डिपार्टमेंट के द्वारा, ठीक है ना? तो ये तय जो टाइम टेबल होते हैं, जो फिक्स टाइम टेबल होते हैं, इनको हम बोलते हैं फिक्स टाइम टेबल। फिक्स टाइम टेबल का यूज भी हम प्रेजेंट सिंपल में करते हैं। पिछले सेंटेंस में देखा था हम लोगों ने, तो प्रेजेंट सिंपल में वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगेगा। तो ट्रेन सिंगुलर है कि प्लूरल है? सिंगुलर, तो फर्स्ट फॉर्म एस और ईएस लगेगा। यहाँ दो फर्स्ट फॉर्म दे रखी हैं, ये विल फ्यूचर टेंस हो गया, ये भी फ्यूचर टेंस हो गया, ये दोनों गलत हो गए। तो इन दोनों में से क्या आएगा? लीव या लीव्स। चूंकि सिंगुलर है तो लीव प्लूरल वर्ब है, ये भी नहीं आएगी, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? लीव्स हो जाएगा। आ रही बात समझ आप लोगों को? ऐसे आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। शी टू द न्यूज एट दिस टाइम। यहां पर एडवर्ब चेंज हो गया। एट दिस टाइम किस टेंस का एडवर्ब है दोस्तों? एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, दीज डेज, नाउ, नावाडेज, राइट नाउ, एट प्रेजेंट, ये सभी जो एडवर्ब्स हैं ये यूज होते हैं प्रेजेंट
कंटिन्यूअस में, किसमें होता है दोस्तों, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या आता है स्ट्रक्चर में, सब्जेक्ट के बाद में इज, एम, आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, इज एम आर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ये स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। अब इज एम आर में से क्या आएगा, सब्जेक्ट देखिए क्या है, शी, शी सिंगुलर है कि प्लूरल है, शी सिंगुलर है तो सिंगुलर में क्या यूज करेंगे आप, इज एम आर, तो शी के साथ लगाएंगे आप इज और वर्ब में लगा देंगे आईएनजी। वर्ब यहां देख के सब में लिसन, तो लिसन में क्या करेंगे आप, आईएनजी लगा देंगे और आपका आंसर हो जाएगा इज लिसनिंग, ये आंसर होना चाहिए, पहले में दे रखा है इज लिसनिंग, ये आर दे दिया, शी के साथ आर आ नहीं सकता, वर्ब लिसनिंग जो है पास्ट कंटिन्यूअस हो गया, ये प्रेजेंट सिंपल हो गया, तो अपना आंसर केवल क्या होगा, ए होगा, ठीक है ना। हमें किससे पता लग गया, एडवर्ब देखा उसके बाद सब्जेक्ट देख लिया और आंसर आ गया, हमें चार ऑप्शन देखने की जरूरत भी नहीं पड़ती है, ठीक है ना। फिर भी आप देखना चाहे देख सकते हैं, भाई ये इसी के साथ आर नहीं आ सकता था, ये पास्ट कंटिन्यूस दे दिया, ये प्रेजेंट सिंपल दे दिया। तो अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, ये आ गया क्वेश्चन नंबर 13, ही अ बुक दीज डेज, मुझे इसमें एडवर्ब दिखाई दे रहा है, क्या आपको भी दिखाई दे रहा है, यस देखिए, ही अ बुक दीज डेज, ही अ बुक दीज डेज, दीज डेज टुडे नाउडेज नाउ, ये अभी जस्ट थोड़ी देर पहले पढ़ रहे थे, ये सारे एडवर्ब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के होते हैं, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में वही इज, एम, आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आता है। अब देखो ये इज, एम, आर और फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ये तीनों प्रेजेंट कंटिन्यूअस हैं तो तीनों का एक आंसर हो सकता है, लेकिन विल बी राइटिंग ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं है, ये फ्यूचर कंटिन्यूअस है, तो ये तो ऑप्शन हमारा गलत हो गया। अब इन तीनों में से क्या होगा, इसके लिए आपको सब्जेक्ट देखना पड़ेगा, सब्जेक्ट क्या है हमारे पास, ही सिंगुलर है कि प्लूरल है, ही सिंगुलर है तो सिंगुलर में लगता है इज, एम लगता है आई के साथ, आर लगता है प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ, इसलिए यहां पर न तो एम आएगा न आर आएगा, ही के साथ आएगा इज राइटिंग, तो आपका 13 क्वेश्चन का आंसर होगा डी, इज राइटिंग, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग 14, आई टेस्ट नाउडेज, नाउडेज फिर एडवर्ब आ गया, ये भी दीज डेज की तरह ही नाउडेज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होता है, इसमें भी जे हमारा आईएनजी आएगा, सब्जेक्ट देख लीजिए क्या है हमारे पास, आई, आई के साथ क्या आता है एम और फिर लगेगा फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो यहां देखो एम के साथ टेकिंग यहां दे रखा है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, बाकी ऑप्शंस गलत होंगे, ठीक है ना। तो देखो यहां दीज डेज आ गया था और यहां पर नाउडेज आ गया था, तो इन एडवर्ब से पता लग जाता है कि आंसर क्या होगा, एडवर्ब को याद कर लें आप लोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, डोंट मेक अ नॉइज, शोर मत मचाओ, डोंट मेक अ नॉइज, द बेबी बच्चा सो रहा है, जब आप बोल रहे हैं शोर मत मचाओ, क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि उस समय कोई कार्य चल रहा है, क्या कार्य चल रहा है, बच्चे के सोने का कार्य चल रहा है, तो मैंने आपको लिखवाया था प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर यूज लिखवाया था कि जब कोई कार्य बोलते समय जारी हो, जब बोलते समय कोई कार्य चल रहा हो तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज होते हैं, तो डोंट मेक अ नॉइज, आप शोर मत मचाओ, बच्चा सो रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो इसमें आ जाएगा बच्चा सिंगुलर है एक वचन, तो इसमें इज आएगा और सोने के लिए स्लीप में आईएनजी लगा देंगे, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा, इसलिए भी, ठीक है ना।
इसके बाद देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 16। लुक देयर, वहां देखो, याद है एडवर्ब, मैंने लिखवाया था आपको लुक, लिसन सुनो, देखो कब बोलते हैं, सुनो कोई आ रहा है, देखो वो रोड पे भाग रहा है। तो लुक लिसन इस तरह के अगर वर्ड्स आते हैं तो, और इस तरह के सेंटेंस आते हैं लुक देयर, लुक, इसका मतलब जब आप बोल रहे हैं उस समय कोई और कार्य चल रहा है साइमल्टेनियसली, तो जब कोई काम चल रहा हो बोलते समय, लिखते समय, सुनते समय, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में यूज होते हैं, और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के अंदर इज एम आर आई एन जी आता है, ठीक है ना। तो ये ए और बी में से कुछ हो सकता है, सी और डी तो नहीं होगा। अब इनमें से क्या होगा, सब्जेक्ट देखिए, सम डॉग्स, सम डॉग्स सिंगुलर है कि प्लूरल है, डॉग्स एस लग रहा है, प्लूरल है तो आर आएगा, और फिर कम में लगाओगे आप आई एन जी, आर कमिंग, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आई हियर फॉर द पास्ट 10 ईयर्स, देखो यहां कुछ एडवर्ब दिखाई दे रहा है क्या आपको, यस, फोर आ रहा है और फोर के बाद टाइम आ रहा है 10 ईयर्स, फोर प्लस टाइम फॉर द पास्ट 10 ईयर्स, पिछले 10 साल से। तो मैंने कहा था कि सिंस फोर प्लस टाइम, सिंस फोर प्लस टाइम अगर आ जाता है तो दोस्तों ये टेंस होते हैं या तो प्रेजेंट परफेक्ट या तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, सिंस फोर टाइम दोनों में आता है, प्रेजेंट परफेक्ट में भी आता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में भी आता है। अब यहां पर देखिए वर्ब क्या है, इन सब में देख पा रहे होंगे बीइंग, बीन, 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 यानी कि वर्ब है हमारी यहां पर बी। और अगर आपको एक फैक्ट ध्यान हो जो मैंने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में पढ़ाया था कि बी जो होती है ना ये होती है स्टेटिव वर्ब, कौन सी वर्ब होती है दोस्तों, स्टेटिव वर्ब, और स्टेटिव वर्ब का यूज कंटिन्यूस टेंस में नहीं होता। तो ये बीइंग वाला ये तो ऑप्शन ही खत्म हो जाएगा, अब या तो हैज बीन आएगा या तो ये प्रेजेंट परफेक्ट होगा, भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस भी नहीं होगा, वो ऑप्शन में भी नहीं है, तो डाउट भी खत्म हो गया। अब इन दोनों में से क्या आएगा ये देखना है कि हैज बीन आएगा कि हैव बीन आएगा, हैज हैव में से क्या आएगा ये ढूंढना है हम लोगों को। तो देखिए सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट हमारा है आई, आई के साथ हैज आता है कि हैव आता है, आई हैव अ बुक, आई हैव टू गो, आई के साथ हैव यूज होता है, तो ये आंसर होगा सी, 17 का आंसर होगा सी, आई हैव बीन हियर फॉर द पास्ट 10 ईयर्स, मैं यहां पिछले 10 सालों से हूं, अभी भी हूं और उस तरह आगे भी रहता रहूं, लेकिन अब तक तो मैं रहा हूं। अब बात करते हैं आई हिम सिंस लास्ट वीक, सिंस आ गया देखो आप, लास्ट वीक टाइम आ गया, तो वापस प्रेजेंट परफेक्ट भी हो सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस भी हो सकता है। वर्ब क्या है अपने पास यहां पे, हैवंट मैट, हैजंट मैट, एम नॉट मीटिंग, मैट, ये तो हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूस, गलत हो गया, मैट सेकंड फॉर्म है, पास्ट सिंपल टेंस हो गया, तो ये भी गलत हो गया। अब ऑप्शन बचे हैं दो, और दोनों ऑप्शन प्रेजेंट परफेक्ट के हैं, तो ये ऊपर वाले की तरह ही हो गया, एक में हैव है एक में हैज है, सब्जेक्ट है आई, तो आई के साथ हैज नहीं आता, हैव आता है, तो 18 का आंसर हो जाएगा आपका ए, आई हैवंट मैट हिम सिंस लास्ट वीक, पिछले वीक से मैं उससे मिला नहीं हूं, ठीक है ना, तो आपका आंसर हो जाएगा ए। अब इसके बाद चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, या देखिए 19, शी ऑलरेडी हर वर्क, यहां आपको कोई एडवर्ब दिखाई दे रहा है क्या, देखिए इस वाक्य में कोई एडवर्ब दिखाई दे रहा है क्या आपको, 19 क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है क्या, यस, यहां पर एडवर्ब है ऑलरेडी, शी ऑलरेडी हर वर्क, ऑलरेडी किस टेंस में आता है दोस्तों, ऑलरेडी यूज होता है हमारा ऑलरेडी, रिसेंटली, लेटली, जस्ट, एवर,
ठीक है ना, सो फार, टिल नाउ, येट, ये सारे जो वर्ड्स हैं ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एडवर्ब है। तो ये वाला वाक्य भी प्रेजेंट परफेक्ट का ही होगा पिछले दो सेंटेंसेस की तरह। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या आता है, हैज हैव या वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज सिंगुलर के साथ में, हैव प्लूरल के साथ में। सब्जेक्ट देख लो क्या अपने पास, शी, तो शी में आएगा हैज और फिर आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब ऑप्शन देख लो, ये हैड डन आ गया, पास्ट परफेक्ट गलत हो गया, हैव डन, शी के साथ में हैव नहीं आता, हैज आता है इसलिए गलत हो गया, यहाँ इज डूइंग आ गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस तो ये गलत हो गया, यहाँ पर आ रहा हैज और डन, ये सही है। कोमा क्यों दिया है बीच में, एक जो पहले वाला हैज है ये ऑलरेडी से पहले आएगा और डन जो है बाद में आएगा, ये जो ऑलरेडी एडवर्ब है ये मेन वर्ब से पहले आता है इसलिए डन से पहले आएगा। तो आंसर हो जाएगा शी हैज ऑलरेडी डन हर वर्क, आंसर होगा हमारा डी, हैज और डन आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20th पर। राम इज टायर्ड, राम थका हुआ है, बिकॉज ही द होल मॉर्निंग। देखो ये कुछ उसी तरह से हो गया जैसे हमने प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंडीशन पढ़ा था, सिंस फॉर और ऑल, ऑल प्लस टाइम, ऑल प्लस टाइम होता है ऑल यानी पूरा और होल यानी भी क्या होता है पूरा, तो ये वही बात हो गई, होल मॉर्निंग पूरी सुबह से ही राम जो है वो काम कर रहा है, ठीक है ना। तो इस ऑल प्लस टाइम जो होता है ना या होल प्लस टाइम, ये एक्सक्लूसिवली परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में यूज होता है, सिंस फॉर प्लस टाइम, सिंस फॉर प्लस टाइम तो प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस दोनों में यूज हो सकते हैं, लेकिन ऑल का यूज जनरली परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में यूज होता है क्योंकि इसमें पूरी सुबह तो लगातार काम का होना बताते हैं कि वो काम चल ही रहा है, पूरी सुबह से वो काम चल ही रहा है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट की बजाय प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है, कब, जब ऑल प्लस टाइम आ जाए, तो या ऑल या होल वो एक ही बात है, तो द होल मॉर्निंग, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होना चाहिए। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या आता है, स्ट्रक्चर की बात करें, हैज या हैव प्लस बीन और फर्स्ट फॉर्म में आएंगे, हैज हैव प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म में आएंगे। अब देखो सब्जेक्ट क्या है हमारे पास यहाँ पे, ही, तो ही के साथ क्या लगाओगे, हैज या हैव, ही सिंगुलर है तो हैज आएगा, हैज बीन और फर्स्ट फॉर्म में आएंगे, तो कहीं दे रखा हैज बीन आएंगे, हैज वर्कड नहीं प्रेजेंट परफेक्ट आ गया, है वर्क तो आएगा ही नहीं क्योंकि ही सिंगुलर है, हैज बीन वर्किंग, यस ये आ गया, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी, अगला हैव बीन वर्किंग वो ही के साथ हैव बीन वर्किंग आता नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों इसके अंदर सी, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का वाक्य था। ओके अब आगे चलते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21st, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो उसमें क्या है देखते हैं, कोई एडवर्ब वगैरह है क्या उसमें, देखिए इसमें वी सॉल्व द क्वेश्चन पेपर सिंस आ गया दोस्तों, तो या तो प्रेजेंट परफेक्ट होगा या तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया होगा, सिंस प्लस टाइम, आगे देखो क्या है, एंड वी हैव नॉट फिनिश्ड इट येट, येट प्रेजेंट परफेक्ट नेगेटिव सेंटेंस में जो होता है वी के साथ हैव और थर्ड फॉर्म, यानी ये टेंस तो आ गया प्रेजेंट परफेक्ट का। वाक्य देखो क्या दे रखा है, वी सॉल्व द क्वेश्चन पेपर सिंस 10 AM, हम ना सुबह 10 बजे से पेपर सॉल्व कर रहे हैं, एंड वी हैव नॉट फिनिश्ड इट येट, अभी तक फिनिश नहीं किया है, सुबह 10 बजे से काम चल रहा है, तो समय प्लस से प्लस रहा है, सिंस प्लस टाइम और आगे प्रेजेंट परफेक्ट दे दिया, तो निश्चित रूप से ये जो पहले वाला सेंटेंस आप देख रहे हैं ना ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का होगा, किसका होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या आता है, हैज हैव
प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, हैज प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो आर सॉल्विंग नहीं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, हैव सॉल्व प्रेजेंट परफेक्ट, हैव बीन सॉल्विंग, यस प्लूरल सब्जेक्ट है ना, तो हैव बीन सॉल्विंग, हैज बीन सॉल्विंग नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वी जो है प्लूरल है, हैज आता है सिंगुलर में, हैव आता है प्लूरल में। आंसर आ गया हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 22 देखें। आई नो हिम सिंस हिज ज्वाइनिंग ईयर, सिंस हिज ज्वाइनिंग ईयर, जब से उसने ज्वाइन किया, तो सिंस के बाद पॉइंट ऑफ टाइम है हिज ज्वाइनिंग ईयर, उसके ज्वाइनिंग करने से मैं उसे जानता हूं। अब देखो ध्यान देना, सिंस प्लस टाइम है, लेकिन ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस दोनों में हो सकता है, लेकिन ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं होगा। ये वाला वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं हो सकता, और देखो इस वजह से दो चारों में से कोई ऑप्शन भी नहीं दिया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। क्यों नहीं हो सकता कंटिन्यूअस टेंस ये? क्योंकि ये जो वर्ब देख रहे हैं ना आप, नो, ये कौन सी वर्ब है? नो, जानना, अंडरस्टैंड, समझना, बी होना, बिलीव, विश्वास करना, रिमेंबर, याद करना, ये सब होती हैं स्टेटिव वर्ब्स। तो दोस्तों ये स्टेटिव वर्ब है, इसलिए सिंस के होने के बावजूद भी ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं जाएगा, ये जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं जाएगा, ये जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर। तो प्रेजेंट परफेक्ट में ए और बी दोनों दे रखे हैं, तो ए होगा कि बी होगा? वर्ब देख लो क्या है, आई के साथ कौन सी वर्ब आएगी, हैव या हैज? आई के साथ आता है हैव, इसलिए बी आंसर नहीं होगा और न सी और डी होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 23। इस क्वेश्चन को देखिए, क्या कोई आपको एडवर्ब दिखाई दे रहा है इसके अंदर? दिखाई दे रहा है रिसेंटली, रिसेंटली आ जाए तो टेंस कौन सा होगा? प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है? हैज हैव और थर्ड फॉर्म आती है, तो हैज और थर्ड फॉर्म, हैज हैव थर्ड फॉर्म। सब्जेक्ट देखिए क्या है हमारे पास, ही, ही सिंगुलर है कि प्लूरल है? ही सिंगुलर होता है तो हैज आएगा, थर्ड फॉर्म आएगी तो हमारा आंसर हो जाएगा हैज ओल्ड। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24। आई हिम अ लेटर लास्ट वीक, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, पास्ट सिंपल टेंस के एडवर्ब है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म देखा राइट, राइट की सेकंड फॉर्म क्या होती है? राइट, रॉट, रिटर्न, तो राइट, रॉट, रॉट सेकंड फॉर्म है, सी आंसर होगा, ये पास्ट सिंपल टेंस का एडवर्ब था लास्ट वीक। आगे चलते हैं, इन 1990, अभी 2020 चल रहा है, इन 1990 में पास्ट का टाइम है, पास्ट का टाइम आ जाए तो जनरली पास्ट सिंपल टेंस होता है। और देखिए आगे, इन 1990 दे द हाउस फॉर 5 लाख रुपीज परचेज, 1990 में, 1990 में उन्होंने ये घर परचेज किया, खरीदा, कितने में परचेज किया? 5 लाख रुपीज में परचेज कर लिया था 1990 में, पास्ट की घटना है, पास्ट का टाइम है, सेकंड फॉर्म आएगी, परचेज की सेकंड फॉर्म परचेज्ड होती है, चारों में से किस में दे रखी है? बी में दे रखी है, तो आंसर क्या हो जाएगा? परचेज्ड। आगे देखिए, आई अ बुक दोज डेज, यहां दोज डेज आ गया, दीज डेज आता तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, दोज डेज आ जाए तो पास्ट कंटिन्यूअस, और पास्ट कंटिन्यूअस में ये हो गया पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है? वॉज वर प्लस फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वॉज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो यहां क्या करेंगे हम लोग, सब्जेक्ट देखेंगे क्या है अपने पास, आई, आई के साथ लगेगा वॉज और फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो वॉज राइटिंग, आई वॉज राइटिंग अ बुक दोज डेज, इस दोज डेज किस पता चला? तो जो मैंने आपको टेंस पढ़ा रखे थे उसमें एडवर्ब देख लें, या आपने अगर लिस्ट बना ली है पूरे एक पेज के ऊपर
तो तुरंत पता लग जाएगा कि दोज डेज पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस में वाज वर प्लस वर्ब फॉर्म में आईएनजी आता है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वी लाफ व्हेन द टीचर एंटर्ड, जब टीचर एंटर किया। देखो व्हेन के साथ एंटर्ड सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म किस टेंस में आती है? केवल और केवल पास्ट सिंपल में आती है, तो सेकंड फॉर्म से पता लग गया ये पास्ट सिंपल टेंस। अच्छा, एक नियम मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो इंपॉर्टेंट रूल्स बताए थे आपको आठ, उनमें लास्ट में एक रूल था सेवन नंबर पे कि अगर एक टेंस पास्ट का होता है तो जनरली दूसरा भी पास्ट का ही होता है एक वाक्य में। एक पास्ट का है दूसरा पास्ट का होगा। और क्या लगता है आपको? देखो हेड लाफ भी पास्ट का है, वर लाफिंग पास्ट का है, ये पास्ट का है, ये डी पास्ट का है, ये तो गलत ही हो गया। वी लाफ व्हेन द टीचर एंटर्ड, जब टीचर ने एंटर किया ना उस समय कोई काम चल रहा था। क्या काम चल रहा था? हम हंस रहे थे। तो जब पास्ट में कोई समय घटना घटित हो और उस समय कोई काम चल रहा हो तो वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में यूज होता है। तो यहाँ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज होगा, और पास्ट कंटिन्यूअस में क्या आता है? वॉज वर प्लस फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। वी के साथ वॉज आएगा कि वर आएगा? वी के साथ हम यूज करेंगे वर। वी वर लाफिंग, तो बी आंसर हो जाएगा। सेवंथ का आंसर, 27th का आंसर होगा बी। अब देखिए अगले सेंटेंस में कोई एरर दिखाई दे रहा है क्या? दिखाई दे रहा है व्हाइल, और व्हाइल अगर इस तरह से बीच में आता है, और देखो व्हाइल शी वाज प्लेइंग, वो खेल रही थी, आई रीड, जबकि मैं पढ़ रहा था। मैंने कहा था व्हाइल का यूज दो एक्शन जब एक साथ चल रहे हों दोनों के लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज होता है और व्हाइल आता है। साइमल्टेनियस एक्शन, पहले भी पास्ट कंटिन्यूअस और बाद में भी पास्ट कंटिन्यूअस, तो इसमें भी पास्ट कंटिन्यूअस आएगा और आई के साथ वॉज लगाएंगे और आईएनजी आ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा बी। आई वॉज रीडिंग, मैं पढ़ रहा था, व्हाइल शी वॉज प्लेइंग, जबकि वो खेल रही थी, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, व्हाइल की वजह से पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। फिर आ जाइए आप लोग क्वेश्चन नंबर 29, द बेल रिंग बिफोर आई रीच्ड स्कूल। कुछ एडवर्ब दिखाई दे रहा है इसके अंदर आप लोगों को? कुछ एडवर्ब दिखाई दे रहा है क्या? देखिए दिखाई दे रहा है बिफोर, बिफोर और आफ्टर दोनों पास्ट परफेक्ट टेंस में आते हैं। हालांकि बिफोर को मैंने फ्यूचर परफेक्ट में बताया था, लेकिन कंफ्यूज हो रहा है तो बाकी को देख लीजिए। द बेल, पहले ब्लैंक स्पेस दे रखा है, खालिस्तान दे रखा है, आगे दे रखा है बिफोर आई रीच्ड स्कूल। यस पता लग जाए, देखो आई रीच्ड, रीच्ड जो है ईडी लग रहा है वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म आती है पास्ट सिंपल टेंस में, तो बिफोर के बाद में पास्ट सिंपल आता है, बिफोर यानी पहले, पास्ट परफेक्ट पहले आता है, तो पहले में आएगा पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में क्या यूज होता है? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब इन चारों में से हैड प्लस थर्ड फॉर्म कहां दे रखी है? हैव रंग, रैंग, हैज बीन रंग, हैड रंग। यस आंसर हो जाएगा डी, ये पास्ट परफेक्ट का था, बिफोर आ गया, बिफोर यानी पहले, तो पास्ट परफेक्ट पहले आता है, उसमें हेड प्लस थर्ड फॉर्म आती है। देखो मैंने बता दूं आपको, मैंने बताया था कि अगर बिफोर आता है तो पास्ट परफेक्ट पहले, हेड प्लस थर्ड फॉर्म, फिर बिफोर और फिर पास्ट सिंपल वर्ब की सेकंड फॉर्म। यहां ये तो रहा है, बिफोर आ गया, सेकंड फॉर्म आ गई, तो इधर क्या हो जाएगा? हेड प्लस थर्ड फॉर्म हो जाएगी, ये पास्ट परफेक्ट, ये पास्ट सिंपल। आफ्टर यानी बाद में, उल्टा हो जाता है, अगर ये आफ्टर आ जाएगा तो ये हेड प्लस थर्ड फॉर्म बाद में चला जाएगा और सेकंड फॉर्म पहले आ जाएगी आफ्टर वाले के अंदर। अब देखो अगला क्वेश्चन यही है, आफ्टर आ गया तो आफ्टर में देखो पहले खालिस्तान दे रखा है वेंट, गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट, और होता भी यही है, आफ्टर वाले में सेकंड फॉर्म पहले आती है और बाद में क्या आती है? हेड प्लस थर्ड फॉर्म। तो बाद में खालिस्तान दे रखा है, इसमें आप हेड प्लस थर्ड फॉर्म कर देंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? हेड, फिनिश की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी?
फिनिश्ड, हैड फिनिश्ड, सी। बाकी के ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं, अपने दिमाग में आंसर होना चाहिए, आप तुरंत आंसर लगा सकते हो, ठीक है ना। तो ये हमारे 30 क्वेश्चंस हो गए हैं, अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, यहां कुछ दिखाई दे रहा है आपको एडवर्ब? देखिए, ही वॉटर द प्लांट्स प्लांट्स सिंस 5 PM, सिंस आ गया और टाइम आ गया, तो इसको मतलब कोई ना कोई सा परफेक्ट कंटिन्यूअस हो सकता है। आगे वैन आ गया और यू वेंट देयर, वेंट WENT, वेंट वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है, कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म कौन सा टेंस होता है? पास्ट सिंपल। अब एक टेंस पास्ट का हो तो दूसरा भी किसका होता है? पास्ट का होता है। अब देखो, पास्ट सिंपल हो गया, इधर आ गया सिंस प्लस टाइम, ये है कोई ना कोई पास्ट का, कौन सा पास्ट हो गए? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। वापस समझना, वैन के साथ वेंट दे रखा था सेकंड फॉर्म, जिससे पता लग गया पास्ट सिंपल टेंस है। एक टेंस, एक सेंटेंस में अगर एक वाक्य उपवाक्य पास्ट टेंस का हो तो दूसरा भी पास्ट का ही होता है, और चूंकि दूसरे में सिंस प्लस टाइम दे रखा है तो मोस्ट प्रोबेबली पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। तो इसमें हमारे पास आंसर पास्ट कंटिन्यूअस के हिसाब से वॉज वॉटरिंग, ये तो पास्ट कंटिन्यूअस हो गया। हैड बीन वॉटरिंग, पानी दे रहा था, ये आंसर सही है। हैज बीन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया, ये विल हैव बीन वॉटरिंग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। तो चूंकि पास्ट का टेंस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा और होगा हैड बीन वॉटरिंग। समझ में आ गया आप लोगों को? हैड बीन फर्स्ट फॉर्म में ING। इधर देखिए क्वेश्चन नंबर 32, वी विजिट द जू नेक्स्ट संडे। नेक्स्ट करके कोई टाइम आ जाए, नेक्स्ट मंडे, नेक्स्ट संडे, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, तो ये ना फ्यूचर सिंपल टेंस के एडवर्ब्स होते हैं, तो ये फ्यूचर सिंपल होना चाहिए। नेक्स्ट संडे से पता चल गया कि ये फ्यूचर सिंपल होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए दोस्तों? फ्यूचर सिंपल। और फ्यूचर सिंपल में क्या आता है स्ट्रक्चर में? शैल विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, शैल आता है या विल आता है, प्लस फर्स्ट फॉर्म आती है। अब शैल आएगा कि विल आएगा, इसके लिए आप सब्जेक्ट देखेंगे, लेकिन आपको पता है कि शैल का यूज आई और वी के साथ होता है, आई और वी के अलावा जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उनमें विल का यूज होता है। तो यहां पर हमारा सब्जेक्ट है वी और उससे पहले खालिस्तान दे रखा है, इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आनी है, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया जो यहां पे दे भी रखा है। आप देख रहे हैं क्वेश्चन मार्क, इसका मतलब ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो वी में क्या लगाएंगे आप लोग? शैल, और फिर आएगी फर्स्ट फॉर्म, तो विजिट की फर्स्ट फॉर्म विजिट ही हो जाएगी, तो पहले शैल फिर विजिट, बीच में कोमा लगना चाहिए। कौन सा आंसर है देखो आप? ए बी सी या डी? बी, शैल आ गया और विजिट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो फ्यूचर सिंपल तक आ गए हैं क्वेश्चन करते करते, अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। दे होल्ड अ मीटिंग एट दिस टाइम टुमोरो। टुमोरो आ जाए तो जल्दबाजी मत कर देना, टुमोरो वैसे फ्यूचर सिंपल में होता है, लेकिन यहां पर साथ में दिस टाइम भी दे रखा है, और मैंने कहा था कि केवल दिस टाइम आ जाए तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, केवल टुमोरो आ जाए तो फ्यूचर सिंपल, दोनों साथ में आ जाए दिस टाइम टुमोरो तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होगा। दिस टाइम टुमोरो, दीज डेज नेक्स्ट ईयर, इस तरह के जो वर्ड्स आते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस में होते हैं, तो ये टेंस से पता लग गया है ये फ्यूचर कंटिन्यूअस होना चाहिए। फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्या आता है? शैल या विल प्लस बी प्लस फर्स्ट फॉर्म में ing, शैल विल प्लस बी प्लस फर्स्ट फॉर्म में ing। अब शैल या करेंगे या विल करेंगे, सब्जेक्ट देखेंगे दे, दे के साथ क्या लगेगा? विल, तो विल बी ing, वर्ब कौन सी है इसके अंदर? होल्ड, तो विल बी होल्डिंग होना चाहिए, कहीं दे रखा है क्या? शैल बी होल्डिंग नहीं, आर होल्डिंग नहीं, विल होल्ड नहीं,
विल बी होल्डिंग। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन हो रहा है, मदन लाल लिसन टू द न्यूज एट 8:30 टुमोरो। 8:30 टुमोरो, देखो एट 8:30 ये टाइम आ गया, टुमोरो कल 8:30 बजे मदन लाल जो है न्यूज सुन रहा होगा। शायद ये मदन का रूटीन एक्टिविटी है कि वो रोजाना शाम को 8:30 ना न्यूज सुनता है, तो कल भी वो न्यूज सुन रहा होगा रूटीन एक्टिविटी के लिए, या टाइम करके टुमोरो उमोरो इस तरह जाता है, दिस टाइम टुमोरो एट 8:30 टुमोरो, तो ऊपर वाले सेंटेंस की तरह ये वाला भी फ्यूचर कंटिन्यूस होगा, तो इसमें शैल विल प्लस बी प्लस आईएनजी आएगा। मदन लाल चूंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसमें क्या करेंगे, बी के साथ में आप आईएनजी लगाएंगे, विल बी आईएनजी, तो आंसर होगा विल बी लिसनिंग, सी आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस विल बी लिसनिंग। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए आई रिटर्न होम बाय नेक्स्ट मंथ, यहां पर कुछ एडवर्ब दिखाई दे रहा है क्या आपको, सारा खेल एडवर्ब्स का और स्ट्रक्चर की जानकारी का है। आई होप ये बात दिमाग में बैठ गई होगी कि हमें पढ़ना क्या है। और दोस्तों मैं आपको जानता हूं अच्छी तरह से, स्टूडेंट्स के साथ बहुत सारा लंबा अनुभव है, तो मैं स्टूडेंट्स के बारे में जानता हूं कि अगर उनको एक बार पता लग जाए कि हमें पढ़ना क्या है, याद क्या करना है, जिस पर क्वेश्चंस आते हैं, फिर तो मेहनत कर लेते हैं। तो अब आपको पता लग गया कि आपको एडवर्ब याद करने हैं, स्ट्रक्चर याद करने हैं, एग्जाम में टेंस के क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो यहां पर वही बात है, हमें यहां एडवर्ब दिखाई दे रहा होगा, आई रिटर्न होम बाय नेक्स्ट मंथ, बाय नेक्स्ट मंथ अगले महीने तक, बाय यानी तक और नेक्स्ट मंथ अगले महीने, तो बाय प्लस टाइम, बाय द एंड ऑफ प्लस टाइम, बाय द टाइम, ये जो एडवर्ब्स होते हैं ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आते हैं। बाय प्लस टाइम किस में आते हैं दोस्तों, फ्यूचर परफेक्ट में। और फ्यूचर परफेक्ट में क्या यूज करते हैं हम लोग, हैज हैव, सॉरी फ्यूचर परफेक्ट की बात कर रहे हैं, शैल विल तो आएगा हर फ्यूचर में, फिर हैव आएगा और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, शैल विल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। याद कर लें स्ट्रक्चर को, याद कर लें आप एडवर्ब्स को, क्वेश्चंस होते चले जाएंगे, बिल्कुल धारा प्रवाह, कोई रुकावट नहीं आएगी। देख रहे हैं आप एक एक क्वेश्चन कर पा रहे हैं हम आराम से, तो अपने इसमें भी यही होगा, बाय प्लस टाइम आ गया, फ्यूचर परफेक्ट, शैल विल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म, आई सब्जेक्ट है, तो इससे पता लग जाएगा शैल लगाएं कि विल लगाएं। तो आई और वी जो फर्स्ट पर्सन होते हैं उनके साथ में हम लोग शैल लगाते हैं, तो शैल आएगा, हैव आएगा, थर्ड फॉर्म आएगी, तो विल रिटर्न नहीं होगा, शैल रिटर्न नहीं होगा, शैल हैव रिटर्न, शैल हैव थर्ड फॉर्म, और हैव रिटर्न तो पास्ट परफेक्ट हो गया, तो ये भी नहीं आएगा। तुम्हारा आंसर क्या होगा दोस्तों इसके अंदर, सी आंसर हो जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 36, इसमें भी आ गया बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते के अंत तक, तो बाय प्लस टाइम आ जाए या बाय द एंड ऑफ प्लस टाइम आ जाए, तो टेंस होता है फ्यूचर परफेक्ट। क्या होता है दोस्तों, फ्यूचर परफेक्ट। अगले हफ्ते के अंत तक रेखा जो है वो 3 स्वेटर बुन चुकी होगी, निट यानी बुनना, बुनाई करना, स्वेटर वगैरह बुनने को निट कहते हैं, तो ये अगले हफ्ते तक वो 3 स्वेटर बुन चुकी होगी, फ्यूचर परफेक्ट है। फ्यूचर परफेक्ट में आता है शैल विल, हैव प्लस थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट हमारा रेखा है, तो इस बार अब शैल नहीं आएगा, अब क्या लगाएंगे आप, विल, विल हैव थर्ड फॉर्म, तो कहीं दे रखा है क्या विल हैव थर्ड फॉर्म, नहीं दे रखा है पहले ऑप्शन में, बी में विल बी निटिंग फ्यूचर कंटिन्यूस आ गया, Has knitted, present perfect हो गया, और will have knitted, ये आ गया future perfect, तो answer आपका D ही हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, देखिए by November, November तक, live in Agra for 10 years, एक तो by plus time आ गया, तो future perfect हो गया, लेकिन साथ में देखो 4 10 years भी आ गया, 4 plus time भी आ गया। अब आपको मेरे पढ़ाए हुए टेंस याद आ रहे हो, तो by plus time भी आ जाए, since 4 plus time भी आ जाए,
तो फिर दोनों बात होने से फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा जिसमें बहुत लंबा स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है उसमें? शैल, विल, हैव, बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगी, शैल, विल, हैव, बीन फर्स्ट फॉर्म में आएंगी। तो वी सब्जेक्ट है हमारे पास, तो वी के साथ क्या लगाएंगे हम लोग? शैल, फिर आएगा हैव, फिर बीन आएगा, फिर वर्ब है लिव, तो लिव में आईएनजी लग जाएगा। शैल, हैव, बीन, लिविंग, कहीं दे रखा है क्या? इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। शैल, हैव, बीन, लिविंग यहां पर है, तो आंसर हो जाएगा हमारा सी। ठीक है दोस्तों, डी गलत हो जाएगा। अब इसके बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। आपने देखा एक चीज, क्वेश्चन में खास बात है जो मैंने बहुत इजी तरीके से लिया है, ये बहुत इजी क्वेश्चन लिए हैं आपके लिए, मैंने छांटे हैं कि हमने क्रम से पढ़ा, प्रेजेंट सिंपल के आ गए, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस के, ऐसे प्रेजेंट के चारों के क्वेश्चन आए, पास्ट के चारों के आए, और अभी हमने फ्यूचर के चारों पढ़ लिए हैं। अभी कुछ क्वेश्चन थोड़े से मिक्स से हैं और तो कुछ नई बातें हैं इसमें, इनको भी देख लीजिए आप। द थीफ अरेस्ट यस्टरडे, चोर कल गिरफ्तार हो गया या चोर ने किसे गिरफ्तार किया, इस तरह क्वेश्चन भी अटका देता है वो। यहां काम करने वाला चोर खुद है क्या? चोर खुद को गिरफ्तार करेगा क्या? नहीं, यहां काम करने वाला चोर नहीं है, चोर तो गिरफ्तार खुद हुआ है। तो दोस्तों ये वाक्य यहां पर कर्म प्रधान वाला हो गया, यहां पे ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट हो गया, चोर तो गिरफ्तार होने वाला है वही इंपॉर्टेंट हो गया, तो ये पैसिव इसका वाक्य। अब आपको मैंने एक्टिव स्पेस तो पढ़ा ही नहीं है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं है, यस्टरडे से पता लग गया सेकंड फॉर्म है, तो पैसिव बनाएंगे सेकंड फॉर्म का, तो बी की सेकंड फॉर्म आ जाएगी। बी की फर्स्ट फॉर्म होती है इज एम आर, सेकंड फॉर्म होती है वाज वर, तो वाज वर आएगा और प्लस थर्ड फॉर्म आएगी, वाज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म आ जाए तो पैसिव में वाज वर प्लस थर्ड फॉर्म आती है। अभी जब हम लोग टेंस के बाद एक टॉपिक पढ़ेंगे भी एक्टिव पैसिव, उसमें और अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा, बट ऐसे क्वेश्चन कई बार आ जाता है इसलिए मैं समझा रहा हूं आपको। यस्टरडे से पता लग गया पास्ट सिंपल है, पास्ट सिंपल सेकंड फॉर्म हो गई तो बी की सेकंड फॉर्म आएगी, याद रखो आप भाई, यस्टरडे पता लगा सेकंड फॉर्म तो बी की सेकंड फॉर्म आएगी जो वाज वर होगी, और पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है इसलिए वो थर्ड फॉर्म यूज होगी। तो देखो इसमें अरेस्टेड नहीं आएगा, तो यहां आप यस्टरडे देखते अरेस्टेड कर दें, वाज अरेस्टेड आएगा क्योंकि सेकंड फॉर्म का पैसिव वॉइस बनाएंगे, ये है इसका पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस वाज अरेस्टेड। तो अगर आप अरेस्टेड कर देते तो ये गलत हो जाता, पैसिव बनेगा। अच्छा अगर ये फिर भी समझ में नहीं आया अभी, तो इस क्वेश्चन को रखें अपने पास में आप लोग, जब मैं आपको एक्टिव पैसिव पढ़ा दूंगा तो इस शीट को दोबारा फिर सुन लेना इस क्वेश्चन को आप लोग, तभी आपको और अच्छी तरह समझ में जाएगा, तब तक केवल इतना सा याद रखें आप लोग, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, मैनी बुक्स एवरी ईयर, हर साल कई किताबें छपती हैं, किताब खुद छपती हैं, छापी जाती हैं। तो ये भी पिछले वाले वाक्य की तरह प्रेजेंट सिंपल है, वो सॉरी पैसिव वॉइस है, लेकिन इस वाक्य को देखें, मैनी बुक्स एवरी ईयर, एवरी ईयर, एवरी मंथ, एवरी वीक, एवरी डे, ये सब आते हैं प्रेजेंट सिंपल में, प्रेजेंट सिंपल में, प्रेजेंट सिंपल में आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ही है। चूंकि ये भी पैसिव वॉइस है, किताबें खुद छापी जाती हैं, खुद छपती हैं, छापी जाती हैं, किताबों को कोई पब्लिशर छपवाता है, वो तो छपती है बेचारी खुद, मतलब वो तो ऑब्जेक्ट हैं, छापने वाले कोई और होते हैं, छपने के बाद किताबें तैयार होती हैं, तो ये ऑब्जेक्ट प्रधान है, तो ये पैसिव वॉइस का वाक्य है भाई। एवरी ईयर से समझ में आ गया, प्रेजेंट सिंपल है, लेकिन ये काम खुद नहीं हो रहा, काम किसी द्वारा किया जा रहा है, तो ये वाक्य ना पैसिव वॉइस का है। किसका वाक्य दोस्तों? ये प्रेजेंट सिंपल है, लेकिन प्रेजेंट सिंपल ये पैसिव वॉइस का है, और पैसिव वॉइस में क्या करते हैं हम लोग, चूंकि ये फर्स्ट फॉर्म है तो बी की फर्स्ट फॉर्म आएगी, बी प्लस थर्ड फॉर्म आता है पैसिव वॉइस में, तो बी की फर्स्ट फॉर्म आएगी, जो बी की फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगी,
इज एमआर और वर्ब की थर्ड फॉर्म। थोड़े क्वेश्चंस अलग हैं, एक बार आप कर लेंगे तो समझ में आ जाएगा। और पैसेज वाली बात अगर समझ में नहीं आ रही हो तो उसको कोई बात नहीं, थोड़ा छोड़ देना, जब एक्टिव पैसेज हो जाएगा तब उसको दोबारा पढ़ लेना। तो इज एमआर थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। अब मैनी बुक्स सिंगुलर है कि प्लूरल है? प्लूरल है, तो इज नहीं आएगा, आर आएगा, आर पब्लिश्ड। मैनी बुक्स आर पब्लिश्ड एवरी ईयर, कई किताबें हर साल छापी जाती हैं। ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, ही वेंट ऑन विदाउट, यहां पर आ गया विदाउट। हमने पिछली क्लास में बात की थी जब हमने कुछ स्पेशल रूल्स पढ़े थे, ये उसका है, टेंस से कुछ अलग रूल्स हैं। जो विदाउट एक प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन के बाद जब भी कोई वर्ब आती है उसकी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। प्रपोजिशन के बाद जब भी कोई वर्ब आती है उसकी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। तो ही वेंट ऑन विदाउट, स्टॉप में लगाएंगे आईएनजी तो स्टॉपिंग हो जाएगा। अब पी से पहले ओ है एक वोवल, तो पी डबल भी हो जाएगा आईएनजी लगाते समय। स्टॉप नहीं आएगा, स्टॉप्स नहीं आएगा, स्टॉपिंग आएगा। क्यों आया दोस्तों? ये विदाउट प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन के बाद जब कोई वर्ब आती है तो उसका जेरंड फॉर्म आता है, उसकी फर्स्ट फॉर्म में आपको आईएनजी लगाना होता है। ये उस रूल पे थी बात। आगे चलिए, वी शैल लीव द रूम, हम रूम को छोड़ देंगे। व्हेन द बेल रिंग, जब घंटी बजेगी। हम रूम कब छोड़ेंगे? जब घंटी बज जाएगी तब क्लासरूम छोड़ देंगे, घंटी बजने के बाद निकल जाते हैं बच्चे। तो दोनों वाक्य हिंदी में तो फ्यूचर के आ रहे हैं, बट चूंकि पहले फ्यूचर टेंस आ चुका है ना, तो अगला वाक्य प्रेजेंट सिंपल में होगा। प्रेजेंट परफेक्ट में भी हो सकता है, वो ऑप्शन में दे नहीं रखा, तो प्रेजेंट सिंपल में होगा। अब सब्जेक्ट देखो, द बेल सिंगुलर सब्जेक्ट है तो फर्स्ट फॉर्म में एस और एस लगेगा। वर्ब है रिंग, तो रिंग में एस लग जाएगा, रिंग्स। When we shall leave the room, हम रूम को छोड़ेंगे। When the bell ring, तो ring में s लग गया, rings। बात समझ आ गई आपको? ये वो नियम है कि एक tense अगर future का होता है तो दूसरा future का नहीं होता, present simple का होता है, तो ring में s लगा दिया हमने। अगला देखो, some movies can make us, यहाँ पे एक word आ गया make। make ना causative verb होती है, ये आप कब यूज करते हैं? मैं पढ़ा रहा था आपको इंपॉर्टेंट रूल्स के अंदर कि कुछ वर्ब्स होती हैं जो कॉजिटिव वर्ब्स होती हैं, जब आप काम खुद नहीं करते किसे करवा देते हो, उसके दिमाग को बदलकर, उसको फोर्सफुली या प्रेशर डाल करके, तो तब आप कॉजिटिव वर्ब के रूप में मेक को मानते हैं। और उस स्थिति में मेक के बाद ना केवल फर्स्ट फॉर्म आती है, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, जिसे हम बेयर इन्फिनिटिव कहते हैं। तो देखिए, सम मूवीज कैन मेक अस वीप, केवल फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो वीप का वीप ही आएगा, कुछ भी नहीं लगेगा इसके अंदर, न एस न एस न एनजी। मतलब क्या हो जाएगा इसका? सम मूवीज कैन मेक अस वीप, कुछ मूवीज ऐसी होती हैं जब उनको हम देखते हैं ना, तुम्हारे दिमाग पे ऐसा असर डालती हैं कि हम रोने लग जाते हैं, तो कुछ मूवीज हमें रुला सकती हैं। Some movies can make us weep. On the other hand, some movies can make us laugh. कुछ मूवीज ऐसी भी होती हैं जो हमें हंसा सकती हैं। जैसे अगर आप हेरा फेरी देखें, धमाल देखें, ठीक है ना, आप इस तरह की अगर कोई गोलमाल फिल्म देखें, ऐसी कॉमेडियन फिल्म देखेंगे, इनमें ऐसी ताकत होती है कि आपको हंसा सकती हैं। कुछ फिल्में ऐसी हैं जो हमें रुला भी सकती हैं, ठीक है ना। तो सम मूवीज कैन मेक अस वीप, केवल फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो अपना आंसर हो जाएगा वी। ये जो सम इंपॉर्टेंट रूल्स बताए थे ना आपको मैंने, 7-8 रूल, ये उनके क्वेश्चंस हैं। फिर आ जाइए आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई गॉट माई स्कूटर, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन हो गया। गॉट भी किसी से काम करवाने के लिए यूज होता है, पॉजिटिव वर्ब है गॉट भी। ये कब यूज करते हैं आप? जब आप किसी से काम करवाते उसको पैसा सा दे करके, उस स्थिति में क्या होता है? गेट और जो आपने काम करवाया वो ऑब्जेक्ट, और काम को किस स्थिति में करवाया, पूरा पूरा काम करवाने के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो गेट मेक के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, मेक के साथ तो भी,
और गेट के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे हम लोग, ठीक है ना। आई गॉट माई स्कूटर रिपेयर, इस स्ट्रक्चर को लिखना, गेट के पास कोई काम करवाना हो तो वो जो काम करवाना है उसकी थर्ड फॉर्म आएगी, तो आई गॉट माई स्कूटर रिपेयर्ड, थर्ड फॉर्म। ये फर्स्ट फॉर्म थी या एनजी था, ये टू रिपेयर था, तो आई गॉट माई स्कूटर रिपेयर्ड, मैंने अपना स्कूटर रिपेयर हुआ प्राप्त किया, करवाया, स्कूटर को रिपेयर करवाया। तो गेट के बाद ऐसे ऑब्जेक्ट के बाद थर्ड फॉर्म आती है काम करवाने के लिए कॉजेटिव वर्ब के रूप में। अब आ जाओ, इट इज टाइम फॉर यू वर्क हार्ड, ये देखो कुछ इस तरह से है, आपको मैंने पढ़ाया था पास्ट सिंपल में। इट इज टाइम के बाद अगर सब्जेक्ट दिया हुआ हो तो सेकंड फॉर्म आती है, इट इज टाइम के बाद सब्जेक्ट ना दिया हो तो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म आती है, ऐसे रूल पढ़ाया था आपको मैंने। ये जो ऊपर वाला वाक्य देख रहे ना, इस रूल में थोड़ा सा घुमा दिया उसने अपने को। देखो इट इज टाइम के बाद फॉर यू, तुम्हारे लिए, फोर प्रपोजिशन है, इसके बाद यू दे रखा है, तो ये सब्जेक्ट नहीं है, ये ऑब्जेक्ट है, ये काम करने वाला नहीं है, ये ऑब्जेक्ट के रूप में इट इज टाइम फॉर यू, तो इसमें ये वाला रूल नहीं लगेगा उसके लिए, तो फोर नहीं होता, डायरेक्ट सब्जेक्ट आता ना यू, तब जाके मानते हम लोग। फोर प्रपोजिशन होता है, प्रपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव फॉर्म आती है, सब्जेक्टिव फॉर्म कभी भी नहीं आती, तो ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, ये सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट होता तो सेकंड फॉर्म आती, सब्जेक्ट नहीं है तो फिर टू प्लस फर्स्ट फॉर्म आएगा, तो इसमें जो आंसर है ना वो टू वर्क होगा, ध्यान रखना बात को। इट्स टाइम फॉर यू, इट्स टाइम फॉर अस टू गो, इट्स टाइम फॉर अस टू वर्क हार्ड, इट्स टाइम फॉर अस टू स्टार्ट स्टडीज। तो ये जो है ये सब्जेक्ट वाली बात नहीं है, ये ऑब्जेक्ट का रूप ले रखा है इसने यहां पे, इसलिए आप टू प्लस फर्स्ट फॉर्म करेंगे। लेकिन अगला क्वेश्चन देखिए, उसमें आपको बात समझ आ जाएगी। इट इज टाइम के बाद यहां सब्जेक्ट दिया है, फोर नहीं दिया बीच में, तो चूंकि आपको यहां सब्जेक्ट दिया है तो फिर आप वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज कर दें। इट इज टाइम के बाद अगर सब्जेक्ट दिया हुआ है ना तो फिर सेकंड फॉर्म यूज कर दें, तो सेकंड फॉर्म आ जाएगी टेक, टेकिंग, टुक, टू टेक, टुक। अब ये इमेजिनरी सेंटेंस हो गया। इट्स टाइम यू टेक टेस्ट, इट्स टाइम यू टुक टेस्ट, अब समय हो गया आपको टेस्ट देना चाहिए। टेक टेस्ट का मतलब हिंदी में बोलेंगे समय, टेस्ट देना, मैंने कहा था उल्टा होता है, टेक टेस्ट यानी टेस्ट देना, गिव टेस्ट यानी टेस्ट लेना, हिंदी में उल्टा हो जाता है इसका अर्थ। तो ये वाली बात ध्यान रखना, इट के बाद अगर सब्जेक्ट हो इस टाइम के बाद तो सेकेंड फॉर्म आएगी, सब्जेक्ट नहीं हो तो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो इस वाले में सब्जेक्ट था, और जो पिछला आपने फोर यू पढ़ लिया था वो सब्जेक्ट नहीं था, वो ऑब्जेक्ट के रूप में था, तब आप फिर टू प्लस फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 46, वॉक केयरफुली, ध्यान से चलो, लेस्ट, कहीं ऐसा ना हो, लेस्ट के बाद आपको मैंने बताया था शुड आता है और फिर फर्स्ट फॉर्म आती है, शुड प्लस फर्स्ट फॉर्म, तो शुड स्लिप आएगा, स्लिप यानी फिसलना, ध्यान से चलो, लेस्ट, कहीं ऐसा ना हो कि वो फिसल जाए, तो शुड स्लिप सी आंसर होगा, बिल्कुल रूल पे है, फैक्ट है, ऐसे कैसे कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, यू वॉन्ट पास अनलेस यू वर्क हार्ड, यू वॉन्ट पास अनलेस, मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था अनलेस यानी ये इफ की तरह ही होता है, इफ यानी यदि, और अनलेस यानी इफ नॉट, यदि नहीं, तो चूंकि ये यदि की तरह इसका अर्थ होता है तो ये ना कंडीशन बताने के लिए आता है, शर्त बताने के लिए आता है। तो यू वॉन्ट पास, वॉन्ट का मतलब होता है विल नॉट, ये बताया था आपको मैंने, शैल प्लस नॉट शांट, विल प्लस नॉट वॉन्ट, तो ये फ्यूचर सिंपल का नेगेटिव सेंटेंस है। एक वाक्य में अगर फ्यूचर आ जाए तो दूसरे में फ्यूचर का यूज नहीं होता, और मैंने कहा था कि जिनमें कंडीशन वाले वर्ड आ जाएं, इफ, वेदर, अनलेस, तो उनमें प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं फ्यूचर को बताने के लिए। तो यहां पर क्या करेंगे हम लोग, इसका मतलब है तुम पास नहीं होगे
यू विल नॉट पास अनलेस यू वर्क हार्ड, जब तक आप कठिन मेहनत नहीं करोगे तुम पास नहीं होगे। तो विल नॉट वर्क दो बार फ्यूचर तो आ ही नहीं सकता, विल वर्क भी नहीं आ सकता, इन दोनों में से क्या होगा? सब्जेक्ट देखिए यू, यू के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आती है, यू सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है खुद, लेकिन वर्ब हमेशा हर टेंस में 12 के 12 टेंस में वो प्लूरल वर्ब भी लेता है जहां भी प्लूरल वर्ब का ऑप्शन होता है। तो ये प्लूरल वर्ब क्या होगी? प्रेजेंट सिंपल में फर्स्ट फॉर्म ही होगी, तो वर्क आंसर आ जाएगा, तो वर्क्स नहीं होगा वर्क होगा। 47 का आंसर हो जाएगा वर्क। अब देखो आप 48 क्वेश्चन, ही इज टॉकिंग एज इफ। अब मैंने आपको एज इफ के बारे में बताया था, दो वर्ड होते हैं एज इफ और एज दो, इनका मतलब होता है मानो की, मानो की वो बात तो ऐसे करते हैं मानो की वो रानी हो, तो एक कल्पना करने के लिए इमेजिनेशन करने के लिए करते हैं। और यहां पर है ही इज टॉकिंग, प्रेजेंट टेंस चल रहा है, तो इस तरह के वाक्य जब एज इफ और पहले प्रेजेंट सिंपल टेंस हो तो एक कल्पना करने और ऐसी कल्पना जो मतलब होती तो नहीं लेकिन आप मानते हैं, तो इस तरह की जब जब कभी इंग्लिश में कल्पना करनी हो तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। और यहां वर्ब दे रखी है देखो बी के फॉर्म, ये तो मूल रूप हो गया तो आएगा नहीं, और बी की सेकंड फॉर्म क्या होती है? वाज या वर। बी की सेकंड फॉर्म क्या होती है दोस्तों? वाज या वर। अब वाज यूज करेंगे कि वर यूज करेंगे? देखिए मैंने कहा था कि जब जब इमेजिनेशन करनी हो और बी का रूप करना हो कुछ, तो वॉज वर में से केवल वर ही आएगा, वर का यूज करेंगे, वॉज का यूज इमेजिनरी सेंटेंस में बी की सेकंड फॉर्म में हम लोग नहीं करते हैं। तो हमारा आंसर होगा ही इज टॉकिंग एज इफ ही वर मैड, वो बात ऐसे कर रहा है मानो कि वो पागल हो, उसका बात करने का तौर तरीका पागलों की तरह है। समझ में आ गया आप लोगों को? एज इफ पास सिंपल में इमेजिनरी सेंटेंस के लिए होता है, और इमेजिनरी के लिए बी की सेकंड फॉर्म वर ही लेंगे, वॉज को नहीं लेंगे। तो हमारा आंसर हो जाएगा वर सी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, एक एज इफ का क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए ही क्राइड, वो चिल्लाया। अब क्राइड वर्ब की कौन सी फॉर्म है? क्राई, क्राइड, क्राई यानी चिल्लाना, और क्राई की सेकंड फॉर्म में ईडी जोड़ देते हैं तो वाई को आई कर देते हैं, क्राइड। तो सेकंड फॉर्म है पास्ट सिंपल टेंस, एक पास्ट का दूसरा भी पास्ट का होना चाहिए, और यहां पर वही ही क्राइड एज इफ आ गया मानो की, तो अगर एज इफ साथ में प्रेजेंट सिंपल होता है ना पहले, तो नंदा लग जाता है कि वो पास्ट सिंपल का होना चाहिए, और पहले ही पास्ट सिंपल आ गया, इसका मतलब कोई ऐसी इमेजिनेशन कर रहा है जो अब फुलफिल नहीं हो सकती, अनफुलफिल रहेगी, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज करेंगे। किसमें यूज करेंगे? पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट में भाई क्यों कर रहे हैं पास्ट परफेक्ट में? एज इफ होना तो पास्ट सिंपल होना चाहिए था ना, पर चूंकि पहले पास्ट सिंपल टेंस आ गया, जो मैंने आपको करवाया भी था पास्ट सिंपल पढ़ा रहा था आपको मैं, पहले पास्ट सिंपल आ गया तो अब जो है पास्ट परफेक्ट टेंस करना पड़ेगा उस वाले वाक्य में। तो ही के साथ गो दे रखा है, हैड गोन आएगा। हैड गोन कहां दे रखा है? पहले में दे रखा है। इसका मतलब क्या हो गया? ही क्राइड, वो ऐसे चिल्लाया एज इफ मानो कि ही गो इनसेन, इनसेन यानी भी पागल ही होता है मैड की तरह, वो चिल्लाया ऐसे मानो कि वो पागल हो गया हो। तो चिल्लाया और उससे पहले ही पागल हुआ होगा तब चिल्लाया होगा, तो पास्ट की घटना में कोई पहले पास्ट हो तो पास्ट परफेक्ट होता है, तो हेड गोन आएगा, 49 का हेड गोन होगा ए। अगला देखिए आप, वी हैव डिसाइडेड लीव द प्लेस टुमारो। अब टुमारो मत देखो इसमें, आप देखो डिसाइडेड, हैव डिसाइडेड, हैव डिसाइडेड, और फिर एक वर्ब आ रही है, ये एक अलग रूल आ गया। जब दो वर्ब को जोड़ते हैं ना इस तरह से डायरेक्ट, बीच में कोई ऑब्जेक्ट वगैरह भी नहीं होता है, अगर दो वर्ब को इस तरह से डायरेक्ट जोड़ते हैं ना हम लोग, तो उसमें टू लगता है। कुछ वर्ब में आईएनजी भी आता है, वो मैंने बताई थी आपको, माइंड, कीप, अवॉइड, उनमें आईएनजी लगता है, लेकिन डिसाइड में टू प्लस फर्स्ट फॉर्म आती है। तो वी हैव डिसाइडेड टू लीव द प्लेस टुमारो।
ठीक है ना, टू लीव आ जाएगा, हमने कल जाने का निर्णय ले लिया है। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए दोस्तों, आप लोग बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 51, आई डोंट माइंड अलोन, यहां दे रखा है माइंड, माइंड अभी मैं थोड़ी देर पहले जस्ट अभी बोला मैंने कि माइंड अवॉइड और कीप वर्थ, इट इज नो यूज, इट इज नो गुड विद अ, और वो टू वाले वर्ब भी हैं कुछ, इनके साथ अगर वर्ब आती है ना तो उसमें आईएनजी लगा दो आप, माइंड के साथ आईएनजी लगेगा, जिरंड फॉर्म आएगी, तो यहाँ आईएनजी वाली वर्ब कौन सी है, केवल आईएनजी वाली, बीइंग, आई डोंट माइंड बीइंग अलोन, मुझे ना अकेले होने का डर नहीं लगता, आई डोंट माइंड, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेट मी, ये बताया था आपको मैंने, लेट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, बेयर इन्फिनिटिव आता है, बेयर इन्फिनिटिव, लेट मी गो, लेट मी स्टार्ट, लेट मी चेक, लेट मी सी, लेट के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, केवल फर्स्ट फॉर्म, तो स्पोकन स्पीकिंग नहीं आएगा, केवल स्पीक आएगा, ठीक है ना, बहुत सिंपल सिंपल से रूल है। आगे पढ़ते हैं, आई हर्ड हिम दीज वर्ड्स, मैंने उसे ना ये वर्ड बोलते हुए सुना था। अब याद करो कुछ वर्ब्स हैं, सी, हियर, सी, हियर, फील, वॉच, इनके साथ ना लिसन टू, इनके साथ दो स्थितियां हो सकती हैं, इनके बाद में फर्स्ट फॉर्म आईएनजी भी आ सकता है और इनके बाद केवल फर्स्ट फॉर्म भी आ सकती है, प्रेजेंट पार्टिसिपल भी आ सकता है, बेयर इन्फिनिटिव भी आ सकता है। फर्स्ट फॉर्म आईएनजी तो कब आएगा, जब हमें ये न पता हो कि काम कंप्लीट हुआ कि इनकम्प्लीट हुआ। फर्स्ट फॉर्म कब आएगी, जब पक्का पता हो काम कंप्लीट हो गया। तो आई हर्ड हिम दीज वर्ड्स, इस वाक्य से लग रहा है कि मैंने उसे शब्द बोलते सुना था, और मुझे पता है कि उसने शब्द बोले थे, मुझे पता है, शायद आपने उसकी पूरी बातें सुनी है। तो ज्यादा अच्छा आंसर तो होगा कि इसमें आप से कर दें, आई हर्ड हिम से दीज वर्ड्स। लेकिन अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए तो ये ना डिलीट हो सकता है, क्योंकि हियर के बाद फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी भी आ सकता है, आंसर सेइंग भी हो सकता है, तो दोनों हो सकते हैं। ज्यादा अच्छा आंसर वैसे तो ए है, बट परीक्षा में अगर क्वेश्चन आ गया तो लोग रेट लगाएंगे, सेइंग करेंगे वो भी सही होगा, से करेंगे वो भी सही होगा, तो क्या करें, ये क्वेश्चन को दोनों आंसर लगा लें आप, वैसे तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो डिलीट हो सकता है। आपको लगा के आना हो तो आप ए से लगा के आ जाना, क्योंकि इसमें लग रहा है कि शायद आपने पूरी बात उसकी सुनी है, ऐसा लग रहा है वाक्य को देख करके। ऐसे देखो दूसरा भी ऐसे ही इसी रूल का है, ये हियर वाला रूल हो गया, ये सी वाला रूल हो गया। ही सो समवन, उसने किसी को देखा था, द रूम, जो बता रहा है ना उस ऐसा लग रहा है कि शायद उसने घटना देखी थी। अगर आपने पूरी घटनाक्रम देखी है, आपको पता है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कंप्लीट एक्शन के बारे में पता है, तो बेयर इन्फिनेटिव फर्स्ट फॉर्म यूज करें, तो फिर ही सो समवन एंटर द रूम। लेकिन अगर ऐसा लगता है कि शायद आपको पता ही नहीं है, पता नहीं वो एंटर हुआ था नहीं हुआ था, देखा था मैं थोड़ा बहुत बस, तो फिर एंटरिंग भी हो सकता है। तो ये वाला क्वेश्चन भी डिलीट हो सकता है, ये वाला क्वेश्चन भी डिलीट हो सकता है। फिर आप सोच रहे होंगे कुछ मैंने यार दिए क्यों, क्योंकि मैंने आपको नियम पढ़ाया था सी का, हियर का, कि मैं दोनों वर्ब आ सकती हैं तो दोनों ही कर सकते हैं। अगर वो चाहता है एग्जाम में कि इस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन ना हो, डिलीट ना हो, तो वो हो सकता है इन दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन दे। लेकिन क्या इस तरह से दोनों दे सकता है, हाँ दे सकता है, कई बार ऐसा होता है, मैंने आपसे डिस्कस कर रहा था जब वो पढ़ रहे थे टू एंड टू, तो मेक भी आंसर होता है, हो सकता है, मेक्स भी हो सकता है, और जूनियर अकाउंटेंट के एग्जाम में वो दोनों आ गए थे और क्वेश्चन लास्ट में डिलीट करना पड़ा, तो ऐसा होता है। तो हमें जानकारी तो पूरी होनी चाहिए क्या क्या हो सकता है, तो ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है, ठीक है ना, तो दोनों लगा लें आप इसमें। फिर हम बात करते हैं इसकी, यू हैड बेटर, हैड बेटर का रूल पढ़ा था हमने, वही थोड़ी पहले जो लेट वाला रूल है, हैड बेटर, लेट, मेक, इनके बाद ना केवल फर्स्ट फॉर्म आती है, केवल फर्स्ट फॉर्म, ना उसमें एस लगेगा, ना ईएस लगेगा, ना आईएनजी लगेगा, ये रूल मैंने लिखवा रखा है आपको, बेयर इन्फिनिटिव आएगा हैड बेटर साथ में, कोई कंफ्यूजन नहीं है, टेल आएगा, यू हैड बेटर टेल नोबडी अबाउट इट।
अच्छा होगा, बेहतर होगा, आप इस बारे में किसी को ना बताएं। अगला है मेड, MAD, ये मेक की सेकंड फॉर्म है। द टीचर मेड अस एन एसे, टीचर ने हमसे ऐसे लिखवाया, खुद ने ऐसे नहीं लिखा, हमसे लिखवाया। तो ये मेक यहां पे कॉजिटिव वर्ब है। कॉजिटिव मैं थोड़ी देर पहले समझा रहा था, जब आप काम खुद नहीं करते किसी और से करवाते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं कॉजिटिव वर्ब। तो एक कॉजिटिव वर्ब है, जब आपने किसी और से काम करवाया, तो ऐसी स्थिति में भी बेयर इन्फिनिटिव आता है, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है ना। द टीचर मेड अस, फर्स्ट फॉर्म आएगी केवल, और फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे राइट में एस लग गया, गलत, सेकंड फॉर्म हो गई सी आंसर होगा, हेजिटेंट थर्ड फॉर्म आ गई, ये भी गलत है, आंसर हो जाएगा हमारा सी। मेक पॉजिटिव वर्ब है, इसके बाद फर्स्ट फॉर्म आएगी। ये जो मैंने अलग से रूल लिखवाए थे ना आपको, 8 रूल्स दिए थे आपको मैंने, ये सारे लास्ट के क्वेश्चन जो 10-12 क्वेश्चन देख रहे हैं आप, ये उन रूल से हैं। 57 ही वुड रादर, और 58 में वुड रादर, देखना आप दोनों क्वेश्चन साथ करते हैं। वुड रादर का मैंने रूल लिखवाया था आपको कि वुड रादर के बाद अगर सब्जेक्ट दे रखा हो तब तो सेकंड फॉर्म, और अगर सब्जेक्ट नहीं दे रखा हो, केवल अकेला वुड रादर ही दे रखा हो, तो फिर फर्स्ट फॉर्म, केवल फर्स्ट फॉर्म, केवल फर्स्ट फॉर्म आएगी। देखिए आप दोनों कंपेयर कर लें, आई वुड रादर ही, वुड रादर के बाद सब्जेक्ट है, अगर सब्जेक्ट है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। तो सेकंड फॉर्म क्या है हमारे पास यहाँ पे, चार ऑप्शन में से वेट, वेटिंग, वेट्स, वेटेड, तो अपना आंसर होगा 58 का ए। 57 उल्टा जा रहे हैं वापस, वुड रादर के बाद यहाँ सब्जेक्ट है क्या, सब्जेक्ट होता है तो सेकंड फॉर्म आती है, सब्जेक्ट नहीं होता है तो फर्स्ट फॉर्म आती है, तो यहाँ केवल फर्स्ट फॉर्म आएगी और फर्स्ट फॉर्म होगी वेट। अच्छा यहाँ देख लेना आप, हियर का एच बड़ा हो गया है, तो आप क्या करें, इस हियर के एच को आप छोटा कर दें, हियर होगा एच ई आर ई, हियर एच छोटा कर देना। वुड रादर के बाद सब्जेक्ट नहीं है तो यहां पर केवल फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो आंसर हो जाएगा आपका डी, ठीक है, आंसर होगा डी। अब आ जाइए आप लोग अगली शीट पर, लास्ट के दो क्वेश्चन देख लेते हैं। 60 क्वेश्चन करवाए आपको मैंने, यू शुड योर एल्डर्स, शुड दोस्तों मॉडल है, शुड मॉडल है, और मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये लास्ट क्लास में पढ़ा था हम लोगों ने, तो केवल फर्स्ट फॉर्म रेस्पेक्ट है। और ऐसे 60 क्वेश्चन में मस्ट नॉट, मस्टंट, ये भी मॉडल है, ऊपर शुड भी मॉडल था, और मॉडल के बाद केवल और केवल फर्स्ट फॉर्म आती है, यहाँ रेस्पेक्ट आ गया, यहाँ मस्टंट के बाद फर्स्ट फॉर्म आएगी, चारों में से फर्स्ट फॉर्म, यह एस लगा रखा था गलत हो गया, बी आंसर होगा वॉक, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है दोस्तों। तो आपको क्या याद करना है, पूरे टेंस के एडवर्ब्स और स्ट्रक्चर, और फिर जो मैंने आपको 8 रूल करवाए थे, मैंने कुछ 10-12 क्वेश्चन उन रूल्स पर भी दिए हैं, तो वो सब करेंगे तभी आपको ये टेस्ट पेपर समझ में अच्छी तरह से आएगा, ठीक है दोस्तों। तो आई होप ये पेपर आपको समझ में आया होगा, टेंस आपको समझ में आया होगा, अगर कहीं कुछ कमी रही है तो शायद हो सकता है आपने कुछ याद ना किया हो, कुछ पढ़ा नहीं हो, अगर आप दोबारा पढ़ेंगे, दोबारा याद करेंगे, इस पेपर को दोबारा सॉल्व करेंगे, तो आप और अच्छा बेहतर महसूस करेंगे। यू हैड बेटर वर्क हार्ड, यू शुड वर्क हार्ड, ओके गाइज, थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर, हैव अ गुड टाइम, थैंक यू सो मच।